हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ कि रोटवाइलर और ये बुल्ली कुत्ता या पाकिस्तानी बुल्ली में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हमारी स्टारिंग कंटेस्टेंट है अपनी शाशा। यार मैं हेला बोलूं पता नहीं क्यों। शाशा दुष्यंत भाई इसके हैंडलर हैं और इधर ये सुमित आ चुका है भाई डॉन। और सुमित क्या नाम है इसका? प्रिंसी। कितने एज है इसकी? 6 मंथ की प्रिंसी है भाई। और सुमित अब आप एक काम करते हैं, सुमित के पास भी एक वो है पाकिस्तानी बुल्ली, उसको ले गया सुमित, इसको यहाँ बांध दे, खड़े हो जाएंगे। इन सब का डिफरेंस देखते हैं क्या फर्क है इनमें। ठीक है भाई, फैमिली फैमिली हमारी ये, बट हैंडलर की इस टाइम पकड़ रखा था इसलिए हैंडलर बोला मैंने, कहीं समझियो ना कि हैंडलर बंदा का रख रखे मामले हैंडल करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वैसे तो मेरे चाचा लगते है ये, बट मैं भाई बोलता हूँ। देख लो भाई ये डॉन, दोनों फीमेल है ये, बढ़िया है। हाइट तो उठी ली जितनी होनी थी इसकी, है ना? कितने 6 महीने की है, थोड़ी और होएगी शायद, बट इनके फेस में डिफरेंस देख सकते हो। ये पंच फेस्ड है अपना, मजल छोटा बढ़िया 60-40 रेशो, और इसका थोड़ा सा लंबा मजल है आगे से। ओए बांदरू, और भाई यूं मत कहना बांध रखिए, ये मैं नहीं कहा था कि एक बार ये होल्ड कर ले, पाकिस्तानी बुल्ली भी लेके आनी है ना। हाँ बेटी कितना प्यारा बच्चा है ये। ओ ये पाकिस्तानी बुल्ली है। वाह भैया, तो वो नहीं गब्बर सिंह वाला सीन नहीं था यार। इसकी क्या एज है भाई? 3.5-4 साल। ये कंसीव भी है ना? हाँ कंसीव भी। अच्छा इसको और बांधे, अब वो लिया अपनी एक पाकिस्तानी बुल्ली, मैंने बंधवा रहा हूँ भाई क्योंकि थोड़ा अलग अलग दिखेंगे, नहीं फिर सारे एकदम से भाग जाएंगे इधर उधर। और ये तो वैसे भी कंसीव है इसलिए इसको तो इसकी सेफ्टी वैसे ज्यादा जरूरी है। ओए रुक इधर है सुमित, एक चीज और दिख बतानी थी। कितने साल का हो गया? मैं 18 साल के आसपास हो गया, 2004 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। पक्का हो गया ये? हाँ हाँ। 2004 16-8 2004 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है। पता क्या हुआ कि मैं अभी आके पूछा, मैं दुष्यंत भाई मगर कितने साल का हो गया, कहता 17। मैं पिछले साल भी तू 17 का ही था जब मैं थोड़ा लेने आया था। ये लो भाई, ये अपने पाकिस्तानी बुल्ली आ चुकी है। वाह भाई वाह, दथौर की बहन देख लो, इसको देख रही है ना ये। चलो भाई, आप लोगों ने मेरा और मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस तो देखा कि क्या रहा रोटवाइलर पालने का। दुष्यंत भाई से और ले लेते हैं तो थोड़ी पता चल जाएगा। हाँ भाई दुष्यंत भाई, सही बताना बिल्कुल जेन्युइन, कैसा लगा आपको रोटवाइलर पाल के? मेरे को तो मतलब मैं पहले काफ़ी टाइम से पाल रहा हूँ कुत्ते, तो मेरे को तो मतलब जैसे पहले लेबरा भी रखा हुआ था, ये मतलब लेबरा जैसा है बिल्कुल, मेरे को ऐसा ना जैसे बिल्कुल आराम से रहना, कोई फालतू भोंकना नहीं, मतलब पड़ोसियों को भी नहीं पता होगा कि घर पे कुत्ता है, इतना मतलब आराम से रहना बिल्कुल, ना किसी को भोंकना ना कुछ। पर ये आपको ना स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से इनिशियल डेज में ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि बच्चों को पार्क, बच्चों के साथ पार्क में खिलाओ, सोशलाइजेशन करो इनकी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो वो इंटेलिजेंट इतने हैं ना कि मतलब छोटी छोटी चीज़, मैंने इसको सीट वगैरह की, नो वगैरह की, और बाकी जैसे बेड पे चढ़ने की कुछ कमांड सिखाई थी स्टार्टिंग में, और वो थोड़े दिन ही मतलब जैसे 3-4 बार सिखाई, 5 बार सिखाई कुछ ट्रीट दे गई, और तब से ही मतलब इतनी इंटेलिजेंट है, तब से ही वो पकड़ लिया और अभी तक मान ली है। ससु नो सिट सिट देख लो नो। और मतलब मैं अपना बताता हूँ, मेरे फैमिली को मतलब इतना ना डॉग्स पसंद नहीं थे, मैं ले तो आया, फिर स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही करता था, फिर धीरे धीरे घर वालों को भी आदत होगी, फिर एक दिन मेरे फादर बोले यूँ कह, ये तो अच्छा किया तू ले आया, मतलब इतना मन लगता है इनके साथ, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। मेन बात पता है क्या भाई, मेन बात ये है कि आप लोग मेरे से पूछते ना कि मम्मी पापा को कैसे मनाए डॉग लेने के लिए, भाई कैसे ना कैसे करके एक बार ले आओ घर पे, उसके बाद प्यार तो अपने आप ही हो जाता है उसके साथ। मेन भाई ये है कि अगर ले के आते हो ना, जिम्मेवारी रखो कुत्ते की ना, सबसे बड़ी जिम्मेवारी जरूरी है, कभी आप ले आओ बांध के छोड़ दो, घर वाले करते रहे, कभी घुमा रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, आप उसको घुमाओ, खुद खुद फीड करो, खुद अपने इसको घुमाओ फिराओ, तभी घर वालों को भी हेल्प होएगी, नहीं तो आप उनको सारा प्रेशर दे दो, उनका काम भी इतने पहले से। सही बात है। चलो आपको एक चीज दिखाते हैं बढ़िया सी, ये जो सुमित बच्चे लेके आया वो वाले,
सुमित के घर में एक ना फीमेल ने बच्चे दिए, और क्या हुआ उस वो जो फीमेल थी ना उसकी जो मिल्क है उसमें इन्फेक्शन हो गया और वो सही नहीं रहा बच्चों के लिए, कह देते ना पॉइजन हो गया वो, और वो पिला नहीं सकती थी। और बच्चे कितने दिन के थे भाई? 3 डेज के। 3 डेज के बच्चे थे। तो भाई अपने 18 साल के लड़के ने मेंशन कर रहा हूँ मैं बार बार बात भाई कि अगली बार वीडियो बने तो देख रहे वो 18 का ही होगा, ये 1.5 साल बाद भी 18 का ही रहूंगा। तो भाई सुमित ने दिमाग लगाया और ये जो फीमेल थी ना ये इसको ले आया। इसके इसके बच्चे कहाँ गए भाई? इसके पप्पी सेल हो गए थे तब, ये 45 डेज की हो गई थी बच्चे दिए हुए इसे। अच्छा, तो फिर ये इसको ले आया और इसने इन बच्चों को इसके मिल्क पे फीड करा। तो ये आप देख सकते हो कि बुल्ली ने, अपनी पाकिस्तानी बुल्ली ने रोटवाइलर के बच्चे पाल के इतने बड़े कर दिए। कितने दिन के हो रहे हैं ये? 35 डेज के अराउंड हो गए। तो देख लो यार ये कैसा लगा भाई दुष्यंत सुन के? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है वैसे, है ना यार, थोड़ा दिमाग लगाया इसने। अच्छी बात है। और ये चीज हम झूठ नहीं बोल रहे, अभी दिखाएंगे आपको। वैसे तो अब दूध खत्म हो गया है इसका, कितना हो सकता था, है ना, और बट एक बार दिखाएंगे आपको कि ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। छोड़िए एक बार इसके पास, ये तो खेलती है इसके साथ है। देखना, देख लो, लो ये देखो, ओ डॉन। ये देखो बढ़िया सीन है भाई, बहुत ज्यादा। अरे एक ये और आ गया छोटी सी, ये कितने महीने की है भाई? 5 महीने। ये 5। अच्छा, तेरे को खेलना है? और मैं वापस मेंशन कर रहा हूँ ये बंद नहीं हो, ये मैंने कहा था कि क्योंकि ये बहुत सारे हो गए ना अब, ये देखो ये होगी तो ये खेल लेंगे फिर वीडियो बने नहीं की, तो ये वीडियो के लिए हमने 2 मिनट के लिए बांधे हैं। और सुमित ने भाई कैनल भी सेटअप कर लिया है, पर वो अभी उसका टूर अभी नहीं दिखाएंगे, अभी पूरा बिल्डअप नहीं हुआ। ये देखो ये पड़ा है सामान, अभी बनने लग रहा है, जब पूरा बन जाएगा तब दिखाएंगे। ठीक है सुमित? बिल्कुल। बढ़िया पार्क पर बनाने लग रहा है सोरा साथ में है। तो ये देख सकते हो भाई, अब तो दूध खत्म हो गया इसका, बट ये देखो कितनी शांत है, और ये बच्चे तो जाके पीना ही चाह रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार ये चीज, देखो बहुत बढ़िया सीन है, ऐसे मैंने कहीं देखा नहीं था। और इनको इस वैसे ही बदनाम कर रखा है यार, दोनों ब्रीड ऐसी है जिनको बदनाम कर रखा है, पर भाई हमने भी ठान रखी है इस चीज को कि भाई ये बदनाम होने नहीं देने। भाई आप लोगों को एक और डॉग दिखा देते हैं, सुमित के पास है। चलो मैक्स। हाँ मैक्स, मैक्स नाम है इसका, आगे सुमित बताएगा। बता भाई सुमित। मैक्स नाम है, 9 महीने का बच्चा ये भी। बढ़िया करो, टोटली 9 महीने का। कलर मार्किंग देख लो, ईयर सेटिंग देख लो, बोन्स देख लो, टॉप लाइन देख लो, पूरा कुत्ता तगड़ा, जैसी भाषा में बात है। घर में रख के स्वाद आ जाए। बढ़िया है वैसे, है ना। हेड देख लो, अभी तो पूरी ग्रोथ लेना है, अभी तो 9 महीने का ही हुआ है। ओए मैक्स, ये देखो शाशा को देख रहा था, शाशा ने बॉल देख ली। बढ़िया लग रहा है भाई, एक नंबर। कैसा लगा दूसरे भाई? एक नंबर, मस्त है ना। ले लो फिर है? ले लो है? बिठाओ फिर गड्डी में। ले चला है? ले चला रखेगा इसको। हेलो भाई, सुमित से बहुत बढ़िया लगा भाई। सुमित वो देख के तने जो दिमाग लगाया, अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया। और तेरा फार्म टूर भी जल्दी दिखाएंगे, ठीक है भाई। बना ले पहले। हाँ, हाँ, और उसकी वीडियो ले लो भाई। वो मेरे को पीछे से कह रही है भाई मुझे भी ले लो वीडियो में। आ गए थे बेटी तू? ये देखो वहाँ बनने लग रहा है इसका फार्म। और पार्क कहाँ बनाएगा? इसके बराबर में भाई, यहाँ पे पार्क बनेगा इसका। और ये बनने लग रहा है, ये पीछे तक है। चलो अच्छी बात है सुमित, तू भाई बहुत अच्छा लगा। मैं एक अपने छोटे भाई को ऐसे ग्रोथ देखते हुए, है ना भाई। ओहो ये मैंने भोक रहे भाई, ये वहां से आ रही आवाजें। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, मुझे एक अलग सी चीज लगी तो मैंने आपको दिखा दी। कमेंट सेक्शन में बताना और किस चीज पे वीडियो देखना चाहते हो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हो। बाय 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 बाय।